करूं। जय हिंदू राष्ट्र। भारत पर हुए सर्वाधिक विभत्स आक्रमणों में से एक पानीपत के युद्ध में मराठे हारे। उससे बहुत देर तक का इंपैक्ट नहीं रहा, उन्होंने अपने शत्रु पर भी इतना शत्रु को भी इतना नुकसान पहुंचाया कि उसके बाद अफगानिस्तान की तरफ से भारत पर कभी आक्रमण नहीं हुआ, आक्रमणकारी वापस लौट गया। मगर वो हारे क्यों? कारण था मराठों का, मराठों की जो सप्लाई लाइन थी वो टूट गई, उन्हें कहीं से सप्लाई नहीं मिल रही थी। एक महीने बाद जब वो युद्ध में उतरे, प्रतीक्षा करने के बाद, भयानक ठंड, महाराष्ट्र गर्म क्षेत्र, सर्दी के कपड़े नहीं, महीने भर से भूखे, अपने घुड़ों का मांस खाया, हथतेज निराश, केवल एक कारण से कि सप्लाई लाइन टूट गई। उत्तर प्रदेश की तरफ से सप्लाई आ सकती थी, वहां नवाब और ये जो रोहेले थे इन लोगों ने सप्लाई रोक रखी थी। राजस्थान सप्लाई दे के राजी नहीं था, क्योंकि राजस्थान के राजाओं पर इन्होंने चौथ और सरदेशमुखी इतनी सख्ती से लूटी थी, वसूली थी लोगों से, कि लोग चिढ़े हुए थे। जो पानीपत में फिल्म में दिखाया गया वो सच नहीं है कि सिख कह रहे हैं कि हम लड़ने, हम कैसे उनकी मदद करें, और वो कह रहे हैं कैसे उनका साथ दें, ऐसा नहीं है। एक ले देकर साथ देने वाला जो था वो भरतपुर का राजा सूरजमल था, बाकी सब लोग विरोध में थे। इसी कारण से कि वो सब सबको मार कूट के लूटते थे। तो सप्लाई लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमास की, गाजा की सप्लाई लाइन, क्योंकि बहुत छोटा सा क्षेत्र है, बहुत छोटी सी संख्या है, उसके बावजूद उन्होंने इतना दुस्साहस किया कि वो इसराइल पर हमला किया। हम जाने न जाने, उन्हें मालूम है इसराइल क्या है, उसके बावजूद उन्होंने इसराइल पर आक्रमण किया। ट्रेनिंग कहां से मिली, हथियार कहां से आए, सुरंगों का जो जाल बिछा है वो कहां से मिला, इस सब का केंद्र यमन के हाउती विद्रोही हैं। यह हाउती विद्रोही बेसिकली शिया ग्रुप है, शिया मिलिशिया है, यही लेबनान से सपोर्ट पाता है, इसकी जड़ में ईरान है। अंतर्राष्ट्रीय लाल सागर रेड सी में निकलने वाला जो अंतर्राष्ट्रीय मार्ग है समुद्री जहाज़ों का, उसमें हाउती अब से नहीं, बहुत लंबे समय से हमले करते हैं जहाज़ों पर, लूटपाट करते हैं। जो समुद्री लुटेरे हैं उनमें खासी बड़ी तादाद हाउतियों की भी। तंग आ गए लोग, तो अमेरिका ने और ब्रिटेन ने हाउती ग्रुप पर हमला किया, जो उनकी टॉमहॉक क्रूज मिसाइल्स हैं, बहुत मशहूर मिसाइल्स हैं। इसी मिसाइल ने रशिया को अफगानिस्तान से निकलने पर मजबूर किया था, इन्हीं मिसाइलों से। कंधे से फायर की जा सकती हैं, हवाई जहाज उड़ा देती हैं, और कोई भी निशाना, बड़ा से बड़ा निशाना, टैंक वैंक सबका बजा बजा देती हैं। उनसे हमला किया, उनकी हवाई पट्टियां तोड़ी, बर्बाद कर दी। हाउती कह रहे हैं कि हमारे 73 क्षेत्रों पर हमला हुआ है, ये कह रहे हैं इतना हुआ, और उन्होंने मार लगाई थी उससे। कारण कि आप सप्लाई लाइन नहीं काटेंगे, युद्ध जीतने के लिए जो पहले तरीका भारत में अपनाया जाता था कि किले घेर लेते थे और किले के अंदर जितना पानी होता था, खाना होता था, साल दो साल चलेगा, बाहर पड़े हुए निकलेंगे तो आखिर दरवाजों से, दीवारों से उतरेंगे, उन सबको घेरा हुआ है, लोगों की रसद खत्म हो जाए तो उसके बाद लड़ने के अलावा, बाहर निकलने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। वो स्थिति हमास की करने की तैयारी हो रही है, और इसका विकल्प भी नहीं है। भारत के भारतीय जिसमें क्रू मेंबर्स थे, ऐसे कई जहाज़ों पर इन कमबख्तों ने हमले किए हैं, भारतीय नौसेना ने भी इस पर, तटरक्षक बलों ने काम किया है। हिजबुल्ला तिल मिला रहा है, और इस पर एक जानकारी मैं आपको देता चलूं,
इस पे जब कार्रवाई हुई तो इंग्लैंड में हजारों मुल्ला पार्टी के लोग, अमेरिका में हजारों मुल्ला पार्टी के लोग सड़कों पर उतर आए प्रदर्शन करने के लिए। हमास पर जब ने जब इसराइल पे हमला किया था तो सारी दुनिया के मुसलमान बड़े खुश थे, लग रहा था कि आहा आज तो मैदान मार लिया। अब जो उसने बांस करना शुरू किया तब उसके बाद सेल्फ डिफेंस में उसने कुटाई करी, तब उसके बाद सारी दुनिया में हाय हाय मचाने लगे। तो ये जो एक कुफ्र और ईमान की थ्योरी है, इस मानसिकता के साथ लड़े बगैर सभ्य संसार चैन से नहीं जी सकता, यह आवश्यक है। और इसमें दब छुप के काम करने का मामला नहीं है कि नहीं वो पानी के जहाजों पर लूट रहे हैं, मालवाहक जहाज लूटते हैं वहां से पेट्रोल, और उन्होंने हमले किस पर किए, वो सारे जहाज जो इसराइल को जा रहे हैं उन पर हमले करते हैं, वहां से ईरान के जहाज भी गुजरते हैं, वहां अन्य अरब देशों के जहाज भी गुजरते हैं, पेट्रोलियम का लेकर बड़े बड़े जहाज होते हैं वो निकल के जाते हैं, उन पर हमले नहीं करते। वो भारत की चीजों पर भी हमले किए हैं, भारत के जहाजों पर भी किए। तो इस लड़ाई को आप कब तक, सभ्य समाज कब तक कुफ्र और ईमान की लड़ाई, इस्लाम वर्सेस सारा अमुस्लिम विश्व, इसके संघर्ष को इसी तरह से संबोधित करने की जगह लीपापोती से कब तक काम करेंगे? सभ्य समाज को ये ऐसा है कि एक पुरानी अलमारी है उसमें दीमक लग रही है, आप छेद हो रहे हैं, आप उसको ठीक करना चाहते हैं, तो इस प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए सबसे पहले समझना होगा ना कि दीमक लग रही है, उसी के बाद तो ट्रीटमेंट होगा। ऊपर से वार्निश करते चले जाएगी तो क्या होगा, दीमक थोड़ी रुक जाएगी। लीपापोती करने से काम नहीं बनते। सभ्य समाज के अस्तित्व का संघर्ष है, इस अस्तित्व के संघर्ष में आपके पास या तो इस दुष्ट विचारधारा के शत्रु बनिए और या इसका समर्थन कीजिए। आप तटस्थ होने का कोई मार्ग इसमें नहीं रहता, आप तटस्थ होने का खतरा मोल नहीं ले सकते, क्योंकि ये सभ्य समाज को नष्ट करने पर लगी हुई, आगे बढ़ने वाली, सभ्य समाज की दुर्गत करने वाली मानसिकता है। इसके लिए आवश्यक है कि सब सारी दुनिया में सभ्य समाज इस मानसिकता को, इसके मानसिकता के ग्रंथों को, मूल ग्रंथों को, कुरान, हदीस, सीरा, इन सब पर बात करे। आश्चर्यजनक है कि जो मूल इस्लामी दुनिया है उसमें इस बारे में बड़ी साफ साफ बात है। अभी मदीना में स्मृति ईरानी जी गई थी, वो संभव तो वहीं है अभी, गई हैं, और वो बिना हिजाब के भारतीय साड़ी में मदीना में घूमती फिरी। उनके साथ अरबी अधिकारी थे। पाकिस्तान ने बहुत हंगामा मचाया, पाकिस्तान की मुल्ला पार्टी ने, क्या है सऊदी अरब काफिर बन गया, मोहम्मद की सुन्नत का क्या होगा, मोहम्मद ने कहा था कि यहां गैर मुस्लिम नहीं आएगा, मोहम्मद ने सारे काफिरों को यहां से निकाला था, तब से यहां कभी काफिर आने नहीं दिए गए, केवल प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ही अब मुस्लिम सैनिक गए क्योंकि उससे लड़ने का तरीका कोई नहीं था, यही, और भारतीय सैनिक बहुत थे, सिख थे उसमें काफी सारे, हमारी प्लाटून रेजिमेंट्स थी, वो सब गए थे, उससे उसके अलावा कभी नहीं गए। तो मोहम्मद की सुन्नत, मोहम्मद का हुक्म, आखिरी हुक्म मुसलमानों के लिए, जिंदगी तय कर दी हमेशा के लिए, आज तुम पर तुम्हारा दीन मुकम्मल हुआ, इस खुतबे की मुखालफत कर रहे हैं आप, विरोध कर रहे हैं, अरब नहीं मान रहे। तो अरबों ने जवाब दिया कि तुम सुसरे कन्वर्टेड हो, तुम्हारे अरबी नाम रख लेने भर से तुम मुसलमान, असली मुसलमान नहीं हो जाते, तुम्हें कोई अधिकार नहीं हमको समझाने का, तुम कौन होते हो हमें बताने वाले कि इस्लाम क्या और इस्लाम क्या नहीं है, तुम तो अरबी पढ़ भी नहीं सकते। भारत के लोग जो अरबी सीख के मुल्ला पार्टी वहां अरब में जाते हैं, वह बात करते हैं, तो लोग उनसे कहते हैं कि तुम कौन से गार से निकल के आए हो, कब्र से निकल के आए, कौन सी अरबी बोल रहे हो, 1200-1300 साल पुरानी। वो अरबी को समझने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि तुम्हें कोई अधिकार नहीं है ये बताने का हमें इस्लाम क्या होता है, जो हम तय करेंगे वो। मदीना में, जद्दा में पिक्चर हॉल खुल रहा है, पाकिस्तान की मिर्चे लगी पड़ी मुल्ला पार्टी के,
दे धड़ाधड़ पिछवाड़ा पीट रहे हैं, हाय हाय मचाए हुए हैं। तो इस मानसिकता की जड़ पर प्रहार किए बिना अरबों में बदलाव आ रहा है और सभ्य समाज जो इस मानसिकता का शिकार है, क्योंकि सिर्फ अरब से नहीं बात बनने वाली, हाउती यमन से खड़े हो गए तो अफगानिस्तान से कोई निकल आएगा, तो सीरिया से कोई निकल आएगा, तो इराक से कहीं कोई ग्रुप बन जाएगा, कहीं हिजबुल्लाह, कहीं नजीबुल्लाह, कहीं हरामुल्लाह, कोई कमीनुल्लाह, जाने कौन कौन ससरे निकल के आएंगे। तो ये जितने हरामुद्दहर हैं, जितने अरबी में गालियां, कोशिश करता हूं कमीनुल कद्र, जलीलुल मुल्क किस्म के जो लोग हैं, इन सब का संहार किए बिना, इन सब की मानसिकता को ध्वस्त किए बिना कैसे काम बनेगा। यमन के हाउती विद्रोही कौन हैं, किस मानसिकता से प्रेरित हैं, इनके काले काले झंडे क्या हैं, उन पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं कि नहीं, वो मोहम्मद की सारी हदीसों को, मोहम्मद के किए धरे को अपनी जिंदगी में उतारने का प्रण लेते हैं कि नहीं। ये समुद्र के किनारे कतार बांध के लोगों के सरों में गोली मारते हुए वीडियो आपने देखे होंगे, ढेरों व्हाट्सएप आए हैं, छोटे छोटे बच्चों को पिंजरों में बंद करके पेट्रोल डाल के जिंदा जला रहे हैं, सैनिकों को पिंजरे में बंद करके पेट्रोल डाल के जला रहे हैं, किसी व्यक्ति का गर्दन झुकाकर उसकी गर्दन तलवारों से काट रहे हैं, बड़े बड़े चाकुओं से उनके गले काट रहे हैं, मर रहे हैं लोग, हाथ बांध रखे शत्रु सैनिकों को और कटर से उनके गले काट रहे हैं। शत्रु का गला काटना सैनिक का कार्य है, मगर काटने के साथ अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, पैर से ठोकर मार रहे हैं, उस मरते हुए आदमी की आंखें बुझ रही हैं, उसको ठोकरें मार रहे हैं, अल्लाह अकबर बात कर रहे हैं। अल्लाह अकबर मतलब अल्लाह महान है, अल्लाह ही महान है बेसिकली, इसका मतलब यह है। यानी अन्य सारे देवी देवता, अन्य सारे मत मतांतर, अन्य पूजा पद्धति सब कुफ्र है, सबको मिटना है, उसको मानने वाले लोगों को कत्ल किया जाना है। इस मानसिकता से हाउती प्रेरित है कि नहीं, हिजबुल्ला इस मानसिकता का है कि नहीं, ईरान की मानसिकता और क्या है। तो इस मानसिकता के लोगों पर अगर आप प्रहार नहीं करेंगे तो सभ्य समाज जिएगा कैसे, सभ्य समाज बचेगा कैसे। आज आपको लगता है भारत में, जैसे किसी को भी लगेगा कि हम 110 करोड़ हैं, अमेरिका की स्थिति है, ब्रिटेन की स्थिति है, फ्रांस की स्थिति है, 5-7% 8% मुसलमान वहां हो गए हैं, अच्छी खासी तादाद, 17 शहरों में शायद पाकिस्तान मूल के मेयर बन गए हैं, वहां की पुलिस के पास डंडा तक नहीं होता, पिस्तौल की तो बात ही क्या है, वो एक्सक्यूज मी जेंटलमैन एक्सक्यूज मी लेडी करके बात करता है। भारत की पुलिस नहीं जो लठ बजा के सीधे दो जग पहले कान पे दे उसके बाद बात करे, भारत वहां ऐसा नहीं है। भारत में भी जो हमें 110 करोड़ की जनसंख्या है, 20 करोड़ के 10 करोड़ लोग इकट्ठा वोट डालते हैं। कल्पना करें कि कल 10 साल बाद 5 साल बाद भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान हो गया, उसका आदेश प्रजातांत्रिक व्यवस्था में आदेश आदेश होता है। हम 90 में अयोध्या में थे पुल पर सरयू के, लाठी चार्ज हो रहा था, गोलियां चल रही थी, पुलिस वाले गालियां दे रहे थे मुलाजिम को, इसकी माँ का, इसकी बहन का, मगर लाठी मारना नहीं छोड़ रहे थे, धमका रहे थे, जमीन पे लाठी मार रहे थे, भाग जाओ ये सारी बातें कर रहे थे, मगर निकलने नहीं दे रहे थे सरयू की तरफ, उनके आदेश है। तो ऐसी प्रत्येक मानसिकता जो अपने आप को गैदर कर रही है, इकट्ठा कर रही है, संख्या बल बढ़ा रही है, ताकत दिखा रही है, परतोल रही है, उसको निश्चित रूप से नष्ट करना, और केवल उस व्यक्ति को, उस मानसिकता जिसकी खोपड़ी भरी है उसकी खोपड़ी में गोली डालने के अलावा वो मानसिकता जहां से आई है उन ग्रंथों को एक्सपोज करना आवश्यक है। ये नहीं करेंगे तो काम नहीं बनने वाला है। एक विनती आपसे, 11 फरवरी को ग्रेटर कैलाश पार्ट वन के आर्य समाज में न्याय मंच का जो वार्षिक कार्यक्रम होता है वो होने वाला है, सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक, कोई शुल्क नहीं है, भोजन की व्यवस्था न्याय मंच के कुछ साथी हैं, उन्होंने कुछ धन दिया है, उनसे करेंगे हम, पधारिए,
दल बल सहित पधारिए, उसमें कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क प्रवेश है। 11 फरवरी रविवार सुबह 9 बजे ग्रेटर कैलाश के आर्य समाज में, एक बड़ा हॉल है 500-600 संख्या का, मिलते हैं उसमें। जय हिंदू राष्ट्र।